ने सरकटा के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, मूवीज और टीवीज में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकटे की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। दिबाकर बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था और वो कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। इससे पहले वो अपने गाँव सिर्फ बचपन में गया था, लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी, जिन्हें वो अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। वो गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसने देखा तो पास में ही एक साइन बोर्ड था, जो कि जंगल के रास्ते से उसके गांव की तरफ इशारा कर रहा था। दिबाकर ने वो रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रास्ता लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शाम ढल रही थी और जंगल का वो रास्ता एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते में बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिबाकर को अजीब सा भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। दिबाकर को लगा कि झाड़ियों में कोई जानवर होगा, तो वो थोड़ा तेजी से चलने लगा और तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज से लड़खड़ाया था वो चीज कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सड़ा हुआ एक सर था। ये देखते ही दिबाकर वहां जोर से भागा और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी। खुश क्योंकि उन्होंने दिबाकर को कई सालों बाद देखा था और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपनी नानी को बताया कि वो जंगल वाले रास्ते से आया और उसे वहां एक कटा हुआ सर दिखा। ये सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो जंगल का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहां स्कोंदो काटा यानी सरकटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया और उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। उस लड़की के परिवार वालों ने उसे ये करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया। उन्होंने उस लड़के के सरकटे शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया और कहते हैं कि तब से सरकटे की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और वो अपने बदले की आग में जलता रहता है। कहते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दिख जाए तो वो उसे भी मारकर सरकटा बना देता है। दिबाकर ये कहानी सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरे हुए आदमी का सर था। उसके बाद वो नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, दिबाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसे कोई धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठकर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी नानी होंगी, पर जब वो उनके कमरे में गया तो वो गहरी नींद में सो रही थीं। उसे ये अपनी थकान का नतीजा लगा और वो फिर से सोने चला गया। लेकिन उसकी आंख लगते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। दिबाकर ने देखा कि वो उसी जंगल में है और उसके ठीक पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर है, वही भयानक सड़ते मांस वाला कटा सर जो उसे रास्ते में दिखा था। वो सर अब दिबाकर से मदद मांगने लगा और उससे कहने लगा कि क्या दिबाकर उसका सर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। पर मदद मांगते ही वो सर कटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक दिबाकर की नींद टूट गई। लेकिन जैसे ही दिबाकर की आंख खुली, वो कटा सर उसके ठीक सामने
हवा में तैर रहा था और वो कटा सर वैसे ही भयानक तरीके से हंस रहा था। दिवाकर के होश उड़ चुके थे लेकिन वो अपने बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहा था। वो डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी नानी उसके कमरे में आई और उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही वो कटा सर वहां से गायब हो गया। जब नानी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो दिवाकर ने अपनी नानी से कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। उस रात दिवाकर सो नहीं पाया। उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई किस्से सुने जिसमें से एक किस्सा ये भी था कि वो सरकटा लोगों से अपने सर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है और अगर किसी ने उसका सर जोड़ दिया तो वो पूरे गांव का विनाश कर देगा और जो लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते वो उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। उस रात जब दिवाकर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सा लंबा सा आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। वो देखते ही दिवाकर घबरा उठा। अचानक से उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि उस सरकटे का सर उसके ठीक पीछे है और वो अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वो एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिवाकर की आंख खुली तो उसकी नानी उसके सामने थी। दिवाकर अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकटे के बारे में सब कुछ बताया। उसकी नानी बेहद घबरा उठी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी दिवाकर के कमरे में उसके साथ ही लेट गई। लेकिन कुछ ही पलों में जब नानी की आंख खुली तो दिवाकर बेड पर नहीं था। उन्होंने पूरे घर में उसकी तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिवाकर की नानी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वो सरकटा उसे ले तो नहीं गया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और वो सब उसे ढूंढने में लग गए। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे उन्हें किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। तब उन्होंने देखा कि दिवाकर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा है। दिवाकर की आंखें सफेद हो चुकी हैं और वो गुस्से से गुर्रा रहा है जैसे वो बिल्कुल पागल हो गया। दिवाकर की नानी ने उसे आवाज लगाई लेकिन नानी की आवाज लगाते ही दिवाकर ने एकदम से अपनी तलवार से सबके सामने अपना सर काट लिया। ये देखते ही सब गांव वाले वहां से भाग गए और उसकी नानी वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक मौत देखी थी और इसीलिए उस घटना के बाद सभी लोगों ने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि बंगाल में उन जंगलों में अब एक नहीं बल्कि कई सरकटे भटकते हैं जिन्हें स्कोंदा कोटा या कोंदा कोटा भी बोला जाता है।